मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम भाई, कैम छो, मजा में? आपा भी बहुत ही मजा में। और भाई लोग देखो, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप भाई लोगों को भी है ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि अपनी जो है ना जो ब्रेक, जब बाइक के जो ड्रम, जब पूरा अंदर से जो होती है रिंग, जो स्लिप बोलते हैं उसको, वो जो कट जाती है और ब्रेक बिल्कुल फेल हो जाते हैं, अपने ब्रेक लगना बंद हो जाता है, नए ब्रेक पैड, क्या ब्रेक शू, नए ब्रेक शू डालने के बाद भी अगर अपनी है ना बाइक में ब्रेक नहीं लगते हैं तो भाई वो अंदर से स्लिप जो होती है ना ड्रम की, वो कट जाती है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, आप देखो वीडियो को। पहले मैंने फ्रंट वाला जो टायर है ना उसके अंदर जो अलॉय व्हील उसमें सही करवाया है, तो ये वाली क्लिप देखो आप। सकते हुए बिल्कुल जो अंदर की ना नई स्लिप ठुकवाई है मैंने। और दोस्तों फ्रंट का सही करवाने के बाद में ना मैंने पीछे का रियर जो है ना ड्रम ब्रेक उसको भी सही करवाया, और वो 15 दिन या 20 दिन बाद में जाके सही करवाया क्योंकि टाइम नहीं मिलता आपके भाई को। और भाई लोग देखो, ये पीछे की जो स्लिप होती ना ये भी बिल्कुल कट चुकी है, तो ये भी आज नई डलवाने के लिए आए हैं। दोस्तों देखो, प्रॉपर सेटिंग करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल प्रॉपर सेटिंग करेंगे और फिर जब उससे है ना अंदर की जो पहले की स्लिप है उसे काटेंगे, फिर नई स्लिप ठोकेंगे। और अपनी राम प्यारी देखो भाई लोग, कितनी गंदी हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। एक दिन वॉश करेंगे इसकी, कल या परसों में। और उधर देखो चल्लू हो गया सिस्टम। दोस्तों जब भी है ना पीछे के ड्रम की या चाहे आगे की ड्रम की स्लिप ठुकती है ना, तो ब्रेक जो शू है ना वो नए आते हैं, इसी के नाप से ही ये है ना सेट करेंगे इसके अंदर। तो अब हो चुका है अपनी बाइक के अंदर राम प्यारी में दोनों आगे पीछे के ब्रेक एक नंबर। और ये देखो अपनी है ना सेंट्रो है ना इनोवा के अंदर तो नहीं, तो भाई लोग अपनी सेंट्रो के अंदर भी ना कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, और वो अपने ही कर रहे हैं, छोटा मोटा था। जैसे छत का है ना, छत ब्लैक कर दी उसकी, पीछे का स्पॉयलर था उसको ब्लैक कर दिया, और भी छोटी मोटी कलाकारी करते रहेंगे। बाकी थोड़ी सी दिखाते हैं आपको क्लिप, तो उसे देखो। और ये अपनी सेंट्रो देखो, छत हो गई ब्लैक, जो कि है ना इससे ब्लैक कलर पर यार डस्ट है ना बहुत ज़्यादा जम जाती है तुरंत है ना, मतलब गाड़ी इधर से निकली और धूल मिट्टी उड़ी और ब्लैक कलर पे तो ना बहुत ही गंदा दिखता है। और ये रात को ना मैंने स्पॉयलर हटाया था, तो इसके नीचे देखो कितनी मिट्टी निकली है, और स्पॉयलर को भी ब्लैक कर दिया, अभी लगाते हैं इसको। और दोस्तों ये स्प्रे पेंट पता नहीं कैसा है यार, ये क्या हो गया, ये पानी तो रुक ही नहीं रहा इस पर। बाकी इधर देखो, इधर पानी रुक रहा, अब इसको चमकाएंगे आज और फिर स्पॉयलर लगाते। और दोस्तों स्पॉयलर लगने के बाद में देखो कितनी मस्त लग रही है, और पूरी कार पे पेंट होगा अब इसका देखो। और वीडियो को है ना भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब कुछ कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों के साथ भी है ना सब्सक्राइब करवा दो, जबरदस्त जबरदस्ती है ना पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करवाओ यार। तो ठीक है भाई, राम राम।